मेरा नाम शाजिया शहजाद है। एक्चुअली मैं वापोरा गुरेज से रहने वाली हूँ, और मैं फिर हम स्कूल में, लाइक मेरी स्टडी वगैरह वहीं से हुई है। और हाँ, इस साल मेरा 10th था, तो मेरा बहुत अच्छा गया, लाइक 489 out of 500, तो बहुत ही खुशी है। एक्सट्रीमली मेरे पेरेंट्स का ज़्यादा ही सपोर्ट रहा, लाइक मेरी मम्मा का, क्योंकि एक अगर आपके पेरेंट्स में से आपके फादर कोई जॉब कर रहे हो, तो उनको घर से दूर रहना पड़ता है, और वहाँ पे वो आपकी मम्मा ही होती है या मदर ही होती है जो घर का पूरा ख्याल रखती है, लाइक बच्चे को कंट्रोल में रखती है। तो मेरी मम्मा का इमेंस सपोर्ट रहा। हाँ, पापा का भी रहा, लाइक एक्सपेक्टेशंस बहुत ही रखी उन्होंने मुझ पर, लाइक उनको बहुत ही मुझ पर गर्व है अभी भी कि मैंने अच्छा किया। तो मेरी मेहनत की अगर बात करें तो पूरे साल अच्छा ही रहा, लाइक लास्ट लास्ट 5 months जब चल रहे थे, तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की, लाइक डे में 8 to 9 hours, ज्यादा तो नहीं होता था, बट इतना रहा था दिमाग में कि कुछ करना, लाइक अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो रात को नींद में भी मेरा ऐसा सीन होता था कि जो मैंने दिन को पढ़ा वो रात को नींद में रिपीट हो जाता था। और लास्ट के डेज जब एग्जाम डेट शीट निकला, जब एग्जाम चल रहा था, तो उन दिनों मैंने नींद करी। रिजल्ट जो ही निकला तो मैंने रोना शुरू किया, एंड मेरे फादर ने मेरे को फोन किया कि ऐसे ऐसे रिजल्ट निकला है। तो मैं रोते रोते बाहर तक गई उनको देखने के लिए। तो पहले तो मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरे इतने होंगे, बिकॉज र्यूमर एक भी फैला था, लाइक 10th जीके बोस ने 10th क्लास के पेपर्स डबल चेक किए। तो इतना था कि अच्छा भी होगा, उसी के साथ साथ बुरा भी लग रहा था, लाइक 50-50 था सबका, बट अच्छा आया तो अब खुशी हो। फ्यूचर में तो अभी मेरा 11th चल रहा है, 11th अच्छे से हो जाए, 12th अच्छे से हो जाए, उसके बाद NDA क्लियर कर लेंगे, तो फिर देख लेंगे कौन से फील्ड में जाए। जो भी बच्चे, लाइक जो इस साल 10th कर देंगे, उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है, लाइक साल भर जो है आप अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि लास्ट के डेज में जस्ट थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे आप लोग, बट जो हमारे पेपर्स आते हैं वो सिंपली NCERT बेस्ड आता है। और हाँ, उनमें जो बोर्ड वाला वो क्वेश्चन ऐसे ही डालता है कि वो देखता है बच्चे ने क्या पूरे साल भर पढ़ा है, बिकॉज जो बच्चा लास्ट के दिनों में पढ़ता है, गोटाफिकेशन हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब एग्जाम में जाता है इंसान हाइपर होकर सब भूल जाता है। जब आपने बहुत ही पहले से तैयारी करी होगी, तो आपको वो चीज़ दिमाग में रहती है कि मैंने पढ़ा है तो अच्छे से ही होगा। और हर सब्जेक्ट